Back to my YouTube channel, this is me Varshu and you're watching Beauty Nature. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल हेयर रिमूवर. तो बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारी गर्ल्स इंडिया में जो है 100 में से 80% ऐसी लड़कियाँ होती है जो ब्लीच करके जो अपने फेशियल यानी कि मुंह के जो बाल होते हैं उन्हें जो है छुपाती है या हाइड करती है किसी भी तरीके से. बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि एक इरेजर को यूज़ कर कर अपने फेशियल हेयर को रिमूव करते हैं. तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं रिमूवर यूज़ करूँगी तो ऑब्वियसली मेरे फेस पर ज़्यादा बाल आएंगे, बट ऐसा कुछ होता है नहीं. तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फेशियल इरेजर. ये आपके फेशियल हेयर को इरेज कर देगा. ये बहुत ही अच्छा है और मैंने जो इसे 2 वीक यूज़ किया है. 2 वीक्स के बाद मैंने इस पर आपको रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये था कि किसी गलत चीज़ का रिव्यू शेयर नहीं करना है. मैंने अपने ऊपर ही ट्राई किया और मेरे को जो था ना, इतने ज़्यादा फेशियल हेयर थे मेरे, चाहे वो चिक्स पे हो या फिर मेरे अपर लिप पे हो या फिर मेरे फोरहेड पे हो, पूरी जगह पे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल थे. बट मैंने जब से ये यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही बढ़िया है. और इसके बाद जो है ना, मैंने जब ये इसे यूज़ किया तो इसके बाद जो हेयर ग्रोथ आई वो जो मेरे पहले वाली हेयर ग्रोथ थी उससे कम और बहुत, मतलब वो हार्ड बाल आ जाते ना आदमियों की तरह, मेंस की तरह, वो नहीं आए बल्कि बहुत ही अच्छे से मेरे फेस को इसने क्लीन किया और जो है बालों की जो ग्रोथ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा. इसको आप जो है, मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ तो उसके बारे में बता देती हूँ. तो ये जो है पर्पल से बाय किया है और जो है इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, ठीक है. मैंने टिकटक इरेजर के बारे में भी सुना और भी बहुत सारे इरेजर्स हैं जिनके बाद मैंने सुना है और बहुत सारे मशीन्स भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने सुना, चाहे वो विट्स के हो या कुछ भी हो. बट मैंने वाला था ये वाला यूज़ किया और जो इरेजर होते हैं फेस इरेजर, वो 100 में भी आ जाते हैं, 200 में भी आ जाते हैं. बट आप उन्हें परचेस मत कीजिएगा क्योंकि उनके बाद जो आपकी जो फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है और प्लस वो बहुत हार्ड हो जाती है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला जो है ना यूज़ करो, क्योंकि क्या है ना, आप इसको यूज़ करोगे तो एक तो इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ. इसका प्राइस जो है 400 रुपीज़ है. तो 400 में आपको ये मिल जाता है, शिपिंग इसके ऊपर लगेगी तो 450 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा. बट इसका जो सबसे अच्छा बेस्ट पॉइंट ये है कि ये आपके जो है फेशियल पे जितने भी हेयर हैं उन सबको बहुत ही स्मूदली क्लीन कर देगा. प्लस जो है आपके बाद में जो हेयर ग्रोथ आएगी वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी. 1 वीक में आपको एक बार कर लेना है अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो. अगर कम है तो आप 2 वीक्स में एक बार कर सकते हो. मैंने जो है इस पर आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ चैनल पर. सो लाइव डेमो मैंने, मेरा तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लीन हो रखे, एक भी हेयर नहीं है मेरे फेस पे. मैंने सारे जो है अच्छे से क्लीन कर रखे हैं. बट जो थे मेरी मम्मी के थे इस टाइम पे, तो मैंने उनका क्लीन करके आपको जो है दिखाया डेमो, ठीक है. तो मतलब कि ये क्लीन करता है या नहीं, ये आपके सभी हेयर्स को क्लीन कर देता है, चाहे वो फोरहेड के हो, अपर लिप्स के हो या फिर आपके चिक्स के हो, या आपका पूरा फेशियल हेयर्स को अच्छे से रिमूव कर देगा. इसका प्राइस 450 रुपीज़ है. अगर आप किसी अच्छी चीज़ पर पैसे स्पेंड कर रहे हो तो उससे कुछ अच्छी उम्मीदें भी होंगी, ठीक है. किस तरह की पैकेजिंग में आता है, इस तरह की पैकेजिंग में आता है. मैंने पर्पल से बाय किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस तरह की पैकेजिंग में आता है, बहुत ही अच्छा है. और ये फेस हेयर रिमूवर है, ठीक है. यानी कि यहाँ के आप इसको बॉडी पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. अगर आप बॉडी पे यूज़ करोगे तो आप अपने फेस पे मत कीजिएगा फिर, ठीक है. जो बॉडी का होता है वो अलग इरेजर होता है, बट ये वाला जो फेस का है तो आपको जो है ध्यान रखना अच्छे से कि बॉडी और फेस के जो इरेजर होते हैं वो दोनों अलग होते हैं. बॉडी का इरेजर का अगर रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे पास वो भी है, मैं वहाँ आपके साथ शेयर कर. सो आपको जो है इस तरीके से फेशियल हेयर रिमूव करने हैं. ये आपके सामने लाइव डेमो है और ये लगाने से पहले आपको अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा. मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद ही आप कीजिएगा. ये देखिए किस तरीके से जो है जहाँ से मैंने हेयर रिमूव किया है वहाँ पे कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है. तो आप इसी तरीके से अपना पूरा फेस क्लीन कर लीजिएगा. इस तरह का पैकेजिंग में मिलता है, ठीक है. इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मिलता है. तो इसमें आपको 3 इरेजर मिलते हैं. एक इरेजर जो होता है आप उसको 2 मंथ तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है. आपको वो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है. आप डेटोल से कर लीजिए, आप मेकअप रिमूवर से कर लीजिए, आप या सिंपल गर्म पानी से भी उसे क्लीन कर रख दीजिए. जब भी ना आप क्लीन करो,
तो उसे वहीं पे रख दो, ठीक है। अब इसके बात कर लेते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। यार इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी प्लस सिंपल है, ठीक है। सो गाइज, ये फेशियल हेयर बहुत ही अच्छे हैं, आपके फेस पे और हेयर ग्रोथ नहीं होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। जो आपकी हेयर ग्रोथ है वही रहेगी, बट आपको जो है इसे वीक में जो है एक बार ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। और आपका एक इरेजर 2 मंथ चल रहा है, तो आप देख लीजिए आपके 3 इरेजर कितने मंथ चलेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एक अलग से रखिए, अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से रखिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी फैमिली के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। मैंने ही अपनी मम्मी के साथ शेयर किया था, बट जो मेरा इरेजर है वो अलग है, मम्मा का अलग है, ठीक है। तो आप इस तरीके से करके भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा चैनल पर जितने भी वीडियो हो वो अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय, लव यू टीसी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।